कल एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने उसने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। उस पापा को इलेक्ट्रिक वाली पसंद आ रही है। तो अभी गाइस हम इस वाले स्कूटी का ले रहे हैं टेस्ट राइड। पापा कंफर्म हो रहे हैं कि रेस एडिशन ले या फिर एक्सप्रेस ले या ब्लू वाला एडिशन ले। हद कंफ्यूजन है, सोच रहे कैश में ही ले लेते, इतना हमें झमेला करना नहीं है। दोनों लाइट एक साथ चलते ना, ये बड़ा जेन्युइन लग रहा है। प्लस चार्जिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, मजा आ जाएगा भाई। और दादी को भी बुलाया, दादी को पता भी नहीं है कि क्या गाड़ी है क्या नहीं है। दादी बोल रही कौन सी गाड़ी, ओ बालों में डाई करवाया है भाई साहब। अरे तुम भाई मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, हमारा ही है। स्कूटी नहीं आई, इतना रोना आ गया भाई साहब। रोता कौन है वो भाई। पहली स्कूटी फ्रॉम यूट्यूब मनी। हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यार आज है बहुत ही बड़ा दिन, बताऊंगा। पर उससे पहले एक चीज आपसे मैं शेयर कर लूँ कि कल एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने, बोल सकते हैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, बिजनेसमैन इन सेंस की मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उसने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। उसके वकील ने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा विस्तार से। पर अभी हमें जाना है बहुत ही एक बढ़िया काम के लिए। वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम जा रहे हैं अपनी नई स्कूटी की डिलीवरी लेने। तो फिलहाल अभी चलते हैं, ओखला जाना है हमको और देखते हैं यार कौन सी स्कूटी लेने। वैसे थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा कि हम कौन सी स्कूटी लेने वाले। तो फिलहाल अभी चलते हैं, अभी सोचा नहीं है, देखते हैं वहीं जाके पता करेंगे कि कौन सा है, स्पेसिफिकेशन देखते उस हिसाब से लेंगे। चलो चलते हैं। चलो गाइस फाइनली पहुंच चुके टीवीएस के शोरूम, जाते अंदर देखते हैं। चलो गाइस इस मैम के साथ चलते हैं, मैम ने एक दो एंटॉक दिखाया, कुछ मॉडल्स और देखते हैं। भाई साहब पापा को इलेक्ट्रिक वाली पसंद आ रही है। भाई साहब 142 की बैटरी वाली स्कूटी, 3 साल की वारंटी है सिर्फ इसकी बैटरी की। पर हम सोच रहे देखते हैं, एंटॉक भी मंगाया हमने, नया मॉडल, सबसे नया वाला मॉडल। एक बार चार्ज करने पे ये सिर्फ 100 किलोमीटर चलेगी, इससे बढ़िया तो यार ओला का ही है। ओला एक बार चार्ज करने पे 250 किलोमीटर चलती है। तब भी देख लेते इसका स्पेसिफिकेशन, बाकी हमने नया वाला मॉडल भी मंगाया है, फिर उसको भी देखते हैं वो कैसा है। ये है नया मॉडल, नियॉन कलर है इसका। तो अभी गाइज हम इस वाले स्कूटी का ले रहे हैं टेस्ट राइड, देखते हैं कैसा है, बढ़िया लगी तो इसी को ही कंफर्म कर लेंगे। चलो बिक्की निकल रहा है टेस्ट राइड के लिए। कैसी लगी, सही है? मक्खन चल रही है एकदम। अब ये लेगा टेस्ट राइड। आ गया, क्या था पिकअप का बढ़िया है भाई साहब। पापा कंफर्म हो रहे हैं कि रेस एडिशन ले या फिर एक्सप्रेस ले या ब्लू वाला एडिशन ले। हद कंफ्यूजन है, देखते हैं यार, पापा ही कंफर्म करेंगे क्या लेना है। चलो गाइस कंफर्म कर लिया है कौन सी वाली लेनी है, अभी थोड़ा पेपर वर्क करते हैं। चलो गाइस फाइनली कंफर्म हो चुका है अपनी एक्सपी, ये रही बगल में खड़ी है वही, ये वाली कन्फर्म हो चुकी है। अभी थोड़ा चाय कॉफ़ी मंगवाया, चाय कॉफ़ी पीते हैं। 2 हेलमेट करवा लिया यार, ये लोग कभी नहीं कर रहे थे भाई, जैसे जैसे थोड़ा बहुत कम करवाया है। फिलहाल सोच रहे कैश में ही ले लेते, इतना हमें झमेला करना नहीं है, हमें ज़्यादा सरदर्दी नहीं चाहिए फाइनेंस वाइनेंस करवा के, इसलिए एक ही बार में सारी सरदर्दी ख़त्म करते, इसको फटाफट तैयार करवाते, सारी एसेसरीज लगवाते, फिर निकलते घर। गाइस फिलहाल अपनी जो स्कूटी है वो वॉश होने गई है और इसमें एसेसरीज लगेंगे। एसेसरीज लगने के बाद देखते हैं हमारी स्कूटी कैसे दिखती है, नई नवेली दुल्हन बना के ले जाएंगे इसको घर पे आज। तो ये लग रही है अपनी गाड़ी में एसेसरीज, ग्रिल व्रिल लग चुका है, बाकी सामान लग रहा है अभी। भाई साहब रेडी हो गई, ग्रिल लग गए, सारे लग गए, मैट लग गए, अब हेलमेट कवर लेके इसको निकलते हैं। और बड़ी जेन्युइन लग रही है, दोनों लाइट एक साथ चल रही है ना, ये बड़ा जेन्युइन लग रहा है। प्लस चार्जिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, मज़ा आ जाएगा भाई। चलो गाइस बिक्की निकल रहा है पेट्रोल पंप जाके फुल टैंक करवाएगा, और मैं भी इसके पीछे पीछे चलता हूँ। पापा भी अपनी स्कूटी लेके फुल खतरनाक एक्टिवा, और बिक्की अपनी एंटॉर्क, अपनी एंटॉर्क लेके सीधा निकल रहा है पेट्रोल पंप पे। मिल मुझे ठीक है HP वाले पेट्रोल पंप पे। भाई साहब न्यू न्यू गाड़ी है, टैंक फुल कराना तो बनता ही है। नई गाड़ी का एक अपना ही जोश होता है यार फुल टैंक कराने का, फिर उसके बाद थोड़ी ना होती है फुल टैंक। अभी थोड़ा ज़्यादा जज्बा है फुल टैंक कराने का। चलो गाइस हो चुकी है फुल टैंक, निकलते हैं अब। चलो गाइस फूल ले लिया है, अब मिठाई लेने जाते हैं। गाइस मिठाई भी ले लिया है, अब निकलते घर पे। भाई साहब दादी को मैं पूजा करने बोल रहा हूँ गाड़ी का, और दादी को भी बुलाया, दादी को पता भी नहीं है कि क्या गाड़ी है क्या नहीं है। दादी बोल रही कौन सी गाड़ी, चलो देखते। ओ बालों में डाई करवाया है भाई साहब। चलो तो नीचे तभी तो देखोगे, थाल वाल लो, पूजा पाठ का सब करो, चल फिर चलो। कैसा है यूट्यूब मनी से? सकल देख इसका, यूट्यूब मनी से आया है।
सरप्राइज सरप्राइज। बढ़िया, दादी को देख के खुशी हो गई। कलर कैसे लग रहे? कलर ठीक है। बहुत बढ़िया, नया हेलमेट है, पहन इसको, थोड़ा तू भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर ले। अरे तुम भाई मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, हमारा ही है, देख रहे हो ना, पूजा वूजा हो रहा है, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा तुझे? अबे भाई हमारा है ये, देखो देखो दादी पूजा कर रही है। अगर किसी और का गाड़ी होता तो दादी पूजा करती, मतलब हमारा गाड़ी है ना। रो रहे क्यों? स्कूटी नहीं आई, इतना रोना आ गया। स्कूटी आने से कोई रोता है क्या? दादी के अंदर बहुत टैलेंट है रोने का। ये रहा, इस पे लगा दो ना, देखो रो रही है दादी। भाई साहब रोता कौन है, नई गाड़ी पे रोता कौन है? खुश होना चाहिए यार, दादी पता नहीं रो रही है। आंसू पोछो, अगरबत्ती करो। वो भाई सीन शॉट हो रहा फुल तगड़ा वाला। तुम स्कूटी को पहले रसगुल्ला खिला दो। अरे चाशनी लग गया स्कूटी पे। छोटी छोटी बोलो सच सच, कलर कैसा लगा? मुंह से निकल गया। चल आ जा, तुझे घुमा के लाता हूँ। चल बैठ 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 बैठ, फटाफट चलते हैं। चल 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 फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गाइस देवेंद्र को दिखा के लाते हैं, चलते हैं कोचिंग। उसको थोड़ा देखा है तो उसका भी थोड़ा राय ले लेते कैसी लगी स्कूटी। पहली स्कूटी फ्रॉम यूट्यूब मनी। चलो गाइस स्कूटी लाके खड़ी कर दी है, अब इस पे कवर ओवर चढ़ाते हैं। मस्त कवर ओवर चढ़ा दिया है, बस अब चलते हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ बताने वाला था स्टार्टिंग में, कि जैसे कि एक बड़े यूट्यूबर ने या फिर कहे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया, मतलब उसके वकील ने मुझे मतलब लीगल नोटिस भेज दिया कि एक्चुअली मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो कि मतलब सब ने बनाई थी ऑलमोस्ट, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे आप बोल सकते, थगेश ने बनाई थी, धीरो मोन्चिक ने, सलोनी ने, ऐसी कई बड़े यूट्यूबर्स ने बनाई थी उसके ऊपर वीडियो। तो उस टाइम मैंने ही बना दिया, क्योंकि उस टाइम ना वो काफ़ी ज़्यादा उनका स्कैम चल रहा था कि वो स्कैम कर रहे लोगों के साथ, तो इस तरीके से चल रहा था, तो मैंने ही बना दिया। अब वो चीज़ इतना ज़्यादा सीरियस हो गया भाई, हम तो छोटे क्रिएटर्स हैं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 भी व्यूज़ नहीं आए होंगे उसमें ही, मतलब हमारे हमको लीगल नोटिस भेज दिया। अब मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा, वैसे तो आपको पता चल ही चुका होगा कि कौन है, वो आइडिया होगा आपके पास एक, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जितनी मतलब पहुँच नहीं है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने तो वो वीडियो डिलीट कर दी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि डिलीट कर दो वरना अदरवाइज़ हम आपके ऊपर ज़्यादा बड़ा एक्शन ले लेंगे। तो मुझे एक तरीके से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, ठीक है। और उसमें मतलब मुझे लिस्ट भी भेजा गया था कि किन किन यूट्यूबर्स की, और मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने भी बनाई, सबको भेजा था उन्होंने लीगल नोटिस, साथ में मुझे भी, मतलब इतने छोटे क्रिएटर को भी बताओ लीगल नोटिस भेज रहे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने उस वीडियो को अभी तो डिलीट कर दी है, अभी तो फिलहाल कुछ होगा नहीं, पर आगे थोड़ा सोच समझ के इन सब चीज़ों पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में अभी मैं नया हूँ। तो होप आपको हमारी डिलीवरी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, स्कूटी की, हमारी पहली न्यू स्कूटी की डिलीवरी है। अगर आपका साथ रहा तो होप आगे चल के हम कार की डिलीवरी भी लेंगे और फिर और कई बड़ी चीज़ों की डिलीवरी लेंगे। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, टिल देन बाय। क्यों है?